एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मतलब मस्त हूँ, खुश हूँ। आज खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में तो पढ़ाई होगी क्या है। तो जी हाँ, आज एक्चुअली वो दिन आ गया जिसका मैं वेट कर रही थी। आज ये आ गया है घर। जी हाँ, इसके लिए मैं काफ़ी वेट कर रही थी। पता नहीं कितना लंबा इंतजार रहा है, क्या रहा, बट फाइनली आज ये मेरे हाथ में है। मतलब जो मेरा सेकंड टारगेट था वो पूरा हुआ। जी हाँ, फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम, वो कंप्लीट हो गया था, चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके बाद सेकंड टारगेट था ये, तो फाइनली ये भी मेरे पास पहुंच चुका है और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। मैं सुबह से वेट कर रही थी कि कब मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ, बट काम के चक्कर में हो नहीं पा रहा था। अभी फाइनली 2 बज रहे हैं। अभी मैं खाना बना के जस्ट मैंने ख़त्म किया और मैं दौड़ के आ गई हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूँ सबसे पहले, नहीं तो फिर बच्चे आएंगे, फिर मैं फंस जाऊँगी। तो जी फाइनली ये मुझे मिल गया। ज़्यादा टाइम नहीं मिला, 6 जनवरी को उन्होंने मेल किया था एडसेंस की तरफ से कि आपका गूगल एडसेंस भेज दिया गया है। तो उसके बाद मैं सही में डरी हुई थी, क्योंकि बहुत सारा वीडियो मैंने भी देखा है, तो उसमें कहा गया है कि अगर आपने एड्रेस सही से नहीं डाला हो या कुछ कुछ करके बहुत सारी बातें हैं, तो उसके चक्कर में एडसेंस पिन आपका रिटर्न चला जाता है या नहीं मिलता है, बहुत तरह तरह की बातें। तो वो सब आप जब देखते हो, सुनते हो ना, ऐसे तो जानकारी लेने के लिए ही देखते हैं हम हर चीज़, बट वो सारी चीज़ें ना फिर डर पैदा करने लगती है अंदर में कि सही में कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। तो बार बार हम चेक करते हैं कि एड्रेस हमने सही डाला है ना, सब चीज़ परफेक्ट है ना। मतलब जब से मेरे पास ये मेल आया था कि आपका गूगल एडसेंस पिन भेज दिया गया है, तब से मैं डेली इनको बोल रही थी जी एड्रेस हमने सही डाला है ना, मतलब ऐसा कुछ गड़बड़ होगा नहीं ना, पक्का आ जाएगा ना, आपने पोस्ट ऑफिस में जाके बोला कि नहीं बोला। मतलब मैं डेली इनका माथा खा रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी डर था कि सब कुछ हो गया है, ये अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो फिर प्रॉब्लम होना है। और क्या है ना कि आप जब शुरू से खुद से सब चीज़ करते हो ना, तो कोई बताने वाला आपके आगे पीछे नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि थोड़ी सी भी कुछ गलती कहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, आपको सारा चीज़ खुद करना है, तो फिर कैसे क्या होगा। तो करके बहुत सारी चीज़ें अंदर चलती है। तो एक्चुअली इसे खोलने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, थोड़ी बहुत जर्नी से रिलेटेड है। आई होप शायद आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत मोटिवेशन का काम करे। तो जी ये यूट्यूब की जर्नी एक्चुअली मैंने काफ़ी पहले से स्टार्ट की थी। 2019 लास्ट दिसंबर मैंने पहला चैनल अपना स्टार्ट किया था, तो वो आई थिंक मैंने 23-22 दिसंबर ऐसे खोला था 2019। तो उस समय मैंने स्टार्ट किया था। तो उस समय हम जा रहे थे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने, फिर जयपुर जाना था हमारा, मतलब बहुत सारा प्रोग्राम था। तो उस समय मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत खुशी से मैंने स्टार्ट किया था कि स्टार्ट करते हैं, कुछ करना है। बट जैसे कि पता है आपको, 2020 में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया था, 24 मार्च से इस लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो हम दिसंबर में गए थे, जनवरी 4 जनवरी तक हम घूम घाम के आ गए थे। तो मैंने कुछ महीने किए, उसके बाद फिर ये लॉकडाउन वाला स्टार्ट हो गया, काम धंधे सबके बंद हो गए, मेरे हस्बैंड के भी बंद हो गए थे। कुछ महीने मैंने किए थे, तो उसमें मेरे 32 सब्सक्राइबर थे, और उसके बाद फिर काम धंधे इनके बंद हो गए। बहुत सारी टेंशन जैसे सबके साथ हुई, वैसे मेरे साथ भी हुई थी, घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर जब आपके साथ बहुत सारी टेंशन रहती है ना, तो फिर एक्स्ट्रा में आपका दिमाग नहीं जाता है। और उसके बाद फिर भी जैसे तैसे खींच के मैं कर रही थी कोशिश कि हो जाए सब कुछ। उसके बाद फिर बच्चों की जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुए, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी कि मेरे पास एक ही मोबाइल था और उससे दोनों के ऑनलाइन क्लासेस मुझे करवाने थे, और उस बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं कुछ भी शूट कर सकूँ या कुछ भी कर सकूँ। तो फिर आप कुछ सोच ही नहीं सकते उसके बाद, तो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर हौच-पौच चल रहा था, क्या करे क्या नहीं करे। लास्ट में होता नहीं है कि चलो छोड़ो, तो वही हुआ सेम चीज़, मैंने उस वक्त उसे वहीं एंड कर दिया। बट अंदर था कहीं ना कहीं कि करना तो है, चलो आज नहीं लेकिन कल ज़रूर करेंगे, आज नहीं कल परसों, ऐसे करके था दिमाग में कि करना है। तो फिर 2021 में मैंने जनवरी में फिर स्टार्ट किया, सब कुछ तब तक सेटल हो गया था, मतलब सब चीज़ सब। उसके बाद धीरे धीरे जब ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चलने लगे, तो फिर मुझे भी धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि कैसे कैसे किस तरीके से मैनेज करना है करके। तो
धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो गया था, समझ में आ गया था क्या कैसे। तो फिर मैंने 2021 में हिम्मत करके मैंने चैनल स्टार्ट किया। तो होता नहीं है कि जब आप चैनल स्टार्ट करते हो तो तुरंत तो कोई भी ग्रो नहीं होता है, टाइम लगता है। तो आप मतलब पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में अगर आप आ रहे हो। तो उस समय मेरे पास पेशेंस बिल्कुल नहीं था, ठान लिया करना है करना है। तो स्टार्ट तो मैंने कर दिया बट वैसा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। पर डे देखती थी बट पता नहीं, जब एक दिन दो दिन तीन दिन एक महीना दो महीना हो जाता है ना, रिस्पॉन्स नहीं आता ना, तो अंदर से वो चीज़ बहुत ख़राब लगती है कि यार क्या चीज़ कमी है, क्या मतलब ऐसा क्या गलत जा रहा है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, व्यू ही नहीं आ रहे अच्छे से। तो वो चीज़ बहुत खटकती थी। तो भी चल रहा था बट फिर 2021 के बीच में मार्च में आई थिंक होली के बाद मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब वही कोरोना वाला पीरियड फिर आया, तो ये भी उसी दौरान इनके साथ भी कोरोना से रिलेटेड हो गया। तो उस वक्त फिर मानसिक संतुलन जो था पूरा हिल चुका था। जो हमारे घर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, हालत बहुत ख़राब थी, इनकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मतलब उस समय को मैं अभी भी याद करती हूँ ना तो हालत ख़राब हो जाती है, इतना ख़राब सिचुएशन था उस समय। बट भगवान की कृपा से वो सिचुएशन भी दूर हुआ। बट उस दौरान ये हुआ कि ये चीज़ फिर छूट गया, यूट्यूब वाला जो था ख़त्म हो गया, उसी वक्त वो रुक गया, नहीं हो पाया। तो फिर एक तरीके से बोलिए मैं हार ही गई थी। मतलब दिमाग में आ गया था ना कि जब भी करने खोजती हूँ, जब भी कुछ करती हूँ, सॉरी गाइस, तब वो कुछ ना कुछ होता है मेरे साथ। तो फिर चलिए उस समय तो मेरे फैमिली मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये तो बाद में भी होते रहेगा। तो उस वक्त फिर इसको मैंने स्टॉप किया कि पहले अपने घर को संभाल लेती हूँ, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भगवान की कृपा से उस समय भी, चलिए भगवान की कृपा रही मुझ पर कि उस समय भी सब कुछ फिर ठीक हो गया। हस्बैंड मेरे अच्छे खासे हो गए, हेल्थ उनका बहुत अच्छा हो गया। तो वो साल भी निकल, मतलब मैं वो साल भी धीरे 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 करके पार हो रहा था। तो ठीक फिर 2022 मतलब 2021 पूरा ख़त्म हो गया। 2022 में फिर मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया कि करते हैं अब कुछ करते हैं, लगा कि अब थोड़ा सब ठीक ठाक है, अब भी अब चलो फिर इस साल फिर से मेहनत करते हैं, क्या पता इस साल कुछ अच्छा हो जाए। उम्मीद ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि कभी आपको छोड़नी नहीं चाहिए। एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, बट फिर उठने की हिम्मत होनी चाहिए। तो मेरे साथ वही था, एक साल दो साल तीसरे साल फिर मैं उठी कि नहीं चलो करते हैं, देखते हैं ना क्या होता है, करते हैं बट एटलीस्ट। तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने शॉर्ट्स से स्टार्ट किया क्योंकि मैं काफ़ी डरी हुई थी पहले के एक्सपीरियंस से, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा होगा। मैं शॉर्ट्स ही डालती हूँ, मेरे पास टाइम भी उतना नहीं है, घर के काम बहुत सारे होते हैं, तो मैं कैसे कैसे करूँगी क्या करूँगी करके मैंने शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया। तो शॉर्ट्स में धीरे धीरे करके अच्छे खासे व्यू आने लगे। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे हो जाएंगे बट वॉच टाइम तो पूरा नहीं होगा, शॉर्ट्स में आप कितने जल्दी कितने वॉच टाइम कैसे पूरा करोगे, 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए। तो फिर जाके मैंने, जब मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए तो फिर मैंने लॉन्ग वीडियो डालने स्टार्ट किए। तो धीरे 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 करते भगवान का लकी बोलिए कि धीरे धीरे करते मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए, 4000 घंटा वॉच टाइम भी हो गया और फिर फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो जब चैनल मोनेटाइज हो गया, $10 हो गया, उसके बाद एडसेंस पिन जो कि $10 के बाद ही आपके पास आता है, उसके बाद मेरे पास ईमेल आया कि आपके एडसेंस पिन आपके जो भी एड्रेस है उस पर भेज दिया गया है। तो फाइनली उस दिन के बाद से मैं काफ़ी वेट कर रही थी कि कब आएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके पास आता है ना कि हाँ आपके पास ये भेजा जा रहा है या जो भी, तो उसके बाद से और वेट नहीं होता है। मतलब $10 तक तो था कि हाँ चलो $10 होगा उसके बाद आएगा, हाँ आ जाएगा, लेकिन जब हो गया और वहाँ से मेल आ गया तो उसके बाद रहा नहीं जा रहा था कि कब आएगा, और दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि पता नहीं क्या होगा, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, कैसे करूँगी, क्या, 10 तरह की बातें। बट फाइनली ये आप लोग का प्यार है, सपोर्ट है कि फाइनली मैं अपने टारगेट में सफल हुई। मतलब देखिए मेरा 1K भी हुआ था, चैनल मोनेटाइज हो गया, तो उस समय भी मैं चुप ही रही, मतलब मैंने उस खुशी को जाहिर नहीं किया। तो वो खुशी भी जाहिर करनी थी आज, डबल खुशी जाहिर करनी थी आप लोगों के साथ। ये जो मेरे पास है आज, ये आप लोगों की बदौलत है, नहीं तो ये शायद मुझे नहीं मिल पाता, क्योंकि आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिला तभी मुझे ये मिल पाया है।
तो थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी ने मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट दिया। और अभी भी मैं यही आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ आगे भी ऐसे प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि अभी तो बस ये स्टार्टिंग है, अभी बहुत दूर जाना है और बिना आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कुछ भी नहीं है। तो ऐसी थी कुछ जर्नी मेरी। चलिए फटाफट से खोलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें 6 डिजिट का कोड होता है, उसे हमें जो हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है और उसके नीचे पर जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है उसमें डालना पड़ता है कि आप वही हो कि नहीं हो, ये चेक करने के लिए। तो आई थिंक ये वही है। तो अभी तो मैं आप लोगों के सामने इसे डाल नहीं सकती क्योंकि जो कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रहा है उसी में मुझे ये काम करना है। तो बस मैं खोल देती हूँ और देख लेती हूँ क्या है और आप लोगों को भी दिखा लेती हूँ। जब वीडियो शूट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसे फिलअप करूँगी। तो खोलते हैं फटाफट इसे। जी हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था तो इसमें 6 डिजिट का कोड है जिसे मुझे वेरिफिकेशन कोड जहाँ है वहाँ डालना है, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। तो ये प्रोसेस फाइनली मेरा पूरा हो जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल डालना है कि जिस भी बैंक में मुझे पेमेंट चाहिए उसका एड्रेस पूरा डालना है और बस फाइनल प्रोसेस जो होता है वो डन। उसके बाद जब भी होगा $100 तो उसके बाद मेरे अकाउंट में सीधे मेरे पैसे आ जाएंगे। और आई होप आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, मुझे प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे। तो वो दिन भी जल्दी आएगा जब मेरे हाथ में होगा मेरा फर्स्ट पेमेंट और मैं आप लोगों के साथ वो भी खुशी बांटूंगी। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रहिएगा ताकि ये जर्नी काफ़ी लंबी चले, ये ख़त्म ना हो जैसे पहले दो जर्नी खत्म हो गई थी किसी न किसी रीजन से, बट ये जर्नी खत्म ना हो। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहे और मैं भी अपने सपने पूरे कर सकूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं ये एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।